गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, आज हम डिस्कशन करेंगे महाराजा जसवंत सिंह जी, जो कि बहुत ही बड़े राजा थे उस समय के, जो जोधपुर के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो में। महाराजा जसवंत सिंह, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1629 में हुआ था और 28 दिसंबर 1678 में इनकी मृत्यु हुई थी। मारवाड़ के शासक थे, विराटपुर राजपूत थे। वे अच्छे लेखक, जिन्होंने सिद्धांत बोध और आनंद विलास और भाषाभूषण नामक ग्रंथों की रचना की। यानी सिद्धांत बोध उन्होंने रचना की थी, आनंद विलास की थी और भाषाभूषण की उन्होंने रचना की थी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। और ये महाराजा जसवंत सिंह की कुछ पिक्चर्स हैं, महाराजा जसवंत सिंह जिनकी कुछ पिक्चर्स दी हुई है, तो देखते हैं उनको एक बार। महाराजा जसवंत सिंह की कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें देखो ये जो फोटो है काफ़ी रेयर है फोटो। इस फोटो के अंदर आपको पूरा बताया गया है और यहाँ उर्दू लैंग्वेज में भी कुछ लिखा गया है फोटो के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी। ये देखो, ये महाराजा जसवंत सिंह है जिनकी ओल्ड पिक्चर है और इसका सेंटीमीटर में नाप भी दिया गया है। तो आगे देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह का एक सामान्य परिचय हम ले लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह का सामान्य परिचय लेते हैं हम, ठीक है। और मारवाड़ के शासक थे, समय स्थान अवधि इनकी जो भी थे 6 मई 1638 से लेकर 28 नवंबर 1680 तक, राज्याभिषेक इनका हुआ था 30 अप्रैल 1640 के अंदर। पूर्ववर्ती इनके थे महाराजा जसवंत सिंह, उत्तरवर्ती इनके थे महाराजा राय सिंह जी। जन्म इनका हुआ था 1626 के अंदर बुरहानपुर जो जगह है वहाँ पे, और निधन इनका हुआ था 28 दिसंबर 1678 के अंदर अटक के अंदर। तो इस प्रकार इनका ये एक सामान्य परिचय है। आगे देखते हैं जन्म हो गया इनका और जीवन संगी के बारे में और वगैरह थोड़ी और एक्सपर्ट ले लेते हैं भाई, ठीक है। आप देखो इनके बारे में एक और विवरण देखते हैं। ये जो थे राजा जसवंत सिंह, इनके बारे में ये फेमस था कि ये उस समय औरंगजेब से लड़ाई करने के मामले में काफ़ी आगे थे, उनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह बहुत किया करते थे। अब देखते हैं आगे। जीवन संगी इनकी थी महामाया, संतान इनका विवरण है पृथ्वी सिंह जी थे, जो मारवाड़ के अजीत सिंह जी थे वो भी इनके लड़के थे, जिनके वीर दुर्गादास राठौड़ ने जिनको बचाया था औरंगजेब के। वो घराना इनका था राठौड़ के, सभा या राठौड़ बोल सकते हैं। पिता इनके थे महाराजा जसवंत सिंह, धर्म इनका था हिंदू धर्म। अब हम जो लेंगे वो इनका सामान्य परिचय होगा। सामान्य परिचय के अंदर हम बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने उस समय सारे जो थे वो भेदभाव वगैरह मिटा दिए और इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए भी औरंगजेब ने बाद में अपनी सेना के अंदर शामिल कर लिया था। ये हम देखते हैं परिचय का, परिचय के अंदर आ जाते हैं, परिचय के अंदर आ जाते हैं। देखते हैं जोधपुर के महाराजा गत सिंह के तीन पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। अचल सिंह का देहांत बचपन में ही हो गया था। अमर सिंह वीर किंतु बहुत ही क्रोधी थे, इसलिए गत सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को गति थे उपयुक्त समझा। 25 मई 1638 के अंदर के दिन बारह बरस का जसवंत गति पर बैठा, मतलब 12 साल की उम्र में ही इनको गति पर बैठा दिया गया। प्राय राजा के आरंभ काल में ही जसवंत सिंह शाही सेना में रहा। 1642 ईस्वी में उसने शाही सेना के साथ ईरान के लिए पढ़ने किया, यानी शाही सेना के अंदर ही रहते थे वो जो मुगलों की थी। एक साल बाद वे वापस लौटा और 1648 में ईरान के शाह अब्बास ने 50,000 सेना और तोपे लेकर कंधार को घेर लिया। कुछ समय बाद किले उसके हाथ आया। जसवंत सिंह ने किले पर घेरा डालने वाली शाहजादे औरंगजेब की फौज में सम्मिलित था। औरंगजेब किला लेने में असमर्थ रहा और इसी बीच जसवंत सिंह ने मनसब में अनेक बार बुद्धि वृद्धि हुई, मतलब मनसब में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि, मनसबदारी प्रथा होती थी पहले। और 1655 में उन्हें महाराजा की पदवी दी गई, महाराजा जसवंत सिंह कहा जाता था उन्हें उस समय। आगे देखते हैं इसके बारे में। महाराजा जसवंत सिंह जो थे वो काफ़ी ऐसे बोल्ड कैरेक्टर वाले थे। बोल्ड कैरेक्टर मतलब किसी से डरने वाले वो शख्स थे ही नहीं। महाराजा जसवंत सिंह का ये रहा है कि वो हमेशा से एक बोल्ड कैरेक्टर, और मतलब ऐसा कैरेक्टर जो किसी से ना डरता हो किसी भी मामले में, वैसे वाले कैरेक्टर वो थे। अब आगे देखते हैं हम। देखो जब शाहजहाँ बीमार हुए तो उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि मुगलों में ये आम बात थी कि कोई बीमार होता था तो उत्तराधिकार का जो संघर्ष था वो प्रारंभ हो जाता था। तो उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर देखते हैं 1657 का टाइम था, 1657 में बादशाह शाहजहाँ बीमार हुआ, उसके पुत्रों में राज्याधिकार को लेकर युद्ध हो गया। दारा बादशाह से कहकर जसवंत सिंह का मनसब जो था 7,000 जाट और 7,000 सवार करवा दिया, उसे 1,00,000 रुपए और मालवे की सुबेदारी देकर औरंगजेब के विरुद्ध भेजा, मतलब मालवा की सुबेदारी उनको दे दी और औरंगजेब के विरुद्ध उनको लड़ने भेजा। दूसरी शाही सेना कासिम खान के सेनापतित्व में उससे मिली। इस बीच औरंगजेब ने शाहजहाँ मुराद को अपनी ओर कर लिया, यानी मुराद उनकी तरफ हो गया था, औरंगजेब हो गए थे। दो जने हो गए थे धर्मत नाम के स्थान, धर्मत का युद्ध बहुत फेमस है। दोनों सेनाओं का सामना हुआ, कोटा के राव मुकुंद सिंह और तीन भाई शाह, पूरा के सुजान सिंह सिसोदिया और अर्जुन गोड़, दयालदास झाला, मोहन सिंह धाड़ा आदि अनेक राजा सरदार के साथ थे। महा रावल का नायक कासिम खान था और जसवंत सिंह स्वयं 2,000 राजपूतों के बीच केंद्र में था। उनमें से कई राजपूत सरदार प्रारंभिक आक्रमण में ही काम आए। टोटे का राय सिंह, बुंदेला, सुजान सिंह आदि भाग निकले। जसवंत सिंह अवशिष्ट राजपूतों के साथ वीरता से लड़ता हुआ औरंगजेब के पास तक पहुंचा, किंतु किसी बीच बुरी तरह घायल हुआ। युद्ध में पराजय को निश्चित समझ के राजपूत जसवंत सिंह को बलपूर्वक युद्ध से बाहर ले गए और उसे जोधपुर लौटना पड़ा। तो इस प्रकार युद्ध को वो हार गए थे और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। और औरंगजेब की विजय के कारण से ही, जो औरंगजेब की विजय हुई उसी के कारण से ही आगे जाके औरंगजेब राजा बना। उसने मुराद को अपनी ओर मिला लिया था, जो एक और बेटा था जहांगीर का, उसके साथ जाना। इस प्रकार इतिहास में हम देखते हैं तो बहुत ही कम एग्जांपल मिलते हैं कि राजपूत राजा किसी मैदान को जोड़ता है, पर उनके साथियों की सलाह से ही उन्होंने ऐसा किया था। अब आगे देखते हैं, आगे का इतिहास है जो सामूगढ़ की एक और लड़ाई इसमें अंदर आती है। सामूगढ़ का जो युद्ध है वो भी इसके अंतर्गत आता है। और औरंगजेब जसवंत सिंह के बारे में एक कहानी और फेमस है कि जब वो जोधपुर के किले में इसके बाद पहुंचे तो रानी ने जो सारे गेट है वो बंद करवा दिए थे, ये भी उनके बारे में काफ़ी फेमस है। तो धर्मत के बाद, अब धर्मत का तो युद्ध हो गया था, तो धर्मत के बाद अब
अगना जो युद्ध होने वाला था वो था दरमत के युद्ध के बाद अंग्रेज ने दारा को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया और 22 जुलाई जो 1658 को शाहजहां को नजरबंद वगैरह कर दिया था, उसमें देखते नजर कैद कर दिया था, कर औरंगजेब की गद्दी पर बैठा। उसी साल जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, भाई अब आप राजा हो तो कोई बात नहीं आपसे मिल रख लेते हैं, किंतु मन में मैं उसके विरुद्ध था। अतः कोड़े में जब शाह सुजा और औरंगजेब का युद्ध हुआ तो औरंगजेब की फौज को काफी नुकसान हुआ, जोधपुर लौट गया किंतु शाह सुजा युद्ध में हार गया। औरंगजेब बहुत क्रोध आया उसको, फिर भी मिर्जा राजा जय सिंह बीच पड़ने से जसवंत सिंह से अच्छा संबंध बनाए रखने पर अपना ही समझकर औरंगजेब ने महाराजा को क्षमा कर दिया। उस समय जो जसवंत सिंह थे वो काफी पावरफुल थे, तो हर कोई उनसे मतलब अपने आप को बचाना ही चाहता था, युद्ध करना नहीं चाहते थे नॉर्मली। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, हमारा जो इतिहास है वो एक्चुअली में बहुत विस्तृत है। इतिहास को हम अगर पूरे तल्लीनता से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इतिहास जो है वो काफ़ी विस्तृत होने की वजह से ये सब वो अब आगे देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, अगर हम थोड़ा सा भी डिटेल से देखें तो हम आराम से देख सकते हैं। तो अब ये जो डेट आई है उसके अंदर 1659 की बात है, जसवंत सिंह गुजरात के सूबेदार नियुक्त हुआ, कि तो कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने उसके स्थान पर महावत खां की नियुक्ति कर दी। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति देखकर औरंगजेब ने साहिस्तां खां को उसके विरुद्ध भेजा, उसे पुणे में रहना शुरू किया और जसवंत सिंह सिंह गट्टे मार्ग पर ठहरा। साहिस्तां खां पर रात्रि के समय शिवाजी पर आक्रमण की कथा प्रसिद्ध है। शिवाजी के विरुद्ध जसवंत सिंह ने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की, बादशाह ने उसे वापस दिल्ली बुला लिया। उसके स्थान पर दिलेर खां को मिर्जा राय जय सिंह की नियुक्ति की, किंतु 1678 फिर से उसकी नियुक्ति दक्षिण की तरफ हुई और उसके उद्योग में मुगल महावटों के बीच उस समय के लिए संधि हो गई। सन 1670 में दोबारा गुजरात का सूबेदार नियुक्त हुआ और 1673 में बादशाह फरमान मिलने पर काबुल के लिए रवाना हुआ, और 1 नवंबर को देहांत उसका जमूरत में हुआ। ये भी है महाराज जसवंत सिंह वीर ही नहीं दानशील और विद्यानुरागी भी थे। उनके रचित ग्रंथों में भाषाभूषण, उपरिंत अपरीक्ष, सिद्धांत अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबंध चंद्रोदय आदि प्रसिद्ध है। सूरत मिश्र, नरसिंह नरहरिदास, नवीन कवि उसकी भाषा रत्न थे। जसवंत सिंह के हृदय में हिंदुत्व का प्रेम थे परिपूर्ण था, हिंदुत्व के मतलब बहुत ज्यादा पुजारी थे, हिंदुत्व के पुजारी तो ऑब्वियसली होंगे ही, वो उनका मन जो था वो हिंदुत्व के प्रति ही एक तरीके से था। आगे देखते हैं, हिंदुत्व के प्रति इसलिए था क्योंकि जो सेंटर में जो शासक थे उनमें औरंगजेब की जो कट्टर नीति थे उसका विरोध किया अक्सर किया करते थे। औरंगजेब की जो कट्टर नीति है उसके खिलाफ ही इनका कैंपेन रहता था, तो जब जो मेन है वही कट्टर होगा तो उसके बारे में फिर आगे थोड़ा सा और है वो भी हम देख लेते हैं। देखो महाराजा जसवंत सिंह वीर ही नहीं दानशील विद्यानुराग भी था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ वो हमने देख लिया, अपरीक्षक सिद्धांत अनुभव प्रकाश आनंद विलास सिद्धांत बोध सिद्धांत सार प्रबंध चंद्रोदय आदि प्रसिद्ध है। सूरत मिश्र नर हरिदास और नवीन कवि उसकी सभा के रत्न थे। जसवंत सिंह का हृदय हिंदुत्व के प्रेम से परिपूर्ण था, उसके सदुपयोग और निरुपयोग निरुद्योग से भी हिंदू राज्यों में पर्याप्त सहायता मिली। औरंगजेब भी इस बात से अपरित न था, यह प्रसिद्ध है कि उसने मरने पर बादशाह ने कहा था, मतलब जो जसवंत सिंह मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया, कुफर का मतलब होता है धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के लिए हिंदू मात्र हृदय में सम्मान था, इसी कारण जब जसवंत सिंह ने उनके मृत्यु के बाद जोधपुर हरियाणा के कुमारों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया तो समस्त राजस्थान के द्वेष अग्नि बढ़ गई और राजपूत युद्ध भी प्रारंभ हो गया, राजपूतों द्वारा युद्ध भी प्रारंभ हो गया। ये था जसवंत सिंह का जो बायोडाटा है वो, अगर आपको इनमें कोई त्रुटि दिखे तो क्षमा करना, धन्यवाद।